गरहल विधानसभा सीट से आज सपा उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने नामांकन किया। जी हां, और इस नामांकन में पूरा यादव कुनबा उनके साथ रहा। अखिलेश यादव ने पूरे यादव कुनबे के साथ तेज प्रताप यादव का नामांकन कराया। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते समय उन्होंने जमकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। वही बहराइच की घटना पर जब सवाल पूछा गया मीडिया द्वारा, तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा, बहराइच में जो कुछ भी हुआ वह भाजपा द्वारा राज्य में आगामी उपचुनाव के मद्देनजर योजनाबद्ध था। वहीं सपा मुखिया ने कहा कि वे जनता के किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं, इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझकर उन्होंने दंगा कराया है। वहीं अखिलेश यादव ने आगे कहा कि अगर जीरो टॉलरेंस की बात थी तो आखिरकार वहां पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं गई, प्रशासन का पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं था, और जो जानकारी में था प्रशासन को उसके बावजूद कुछ भी क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। जो कुछ हुआ है मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं, और खासकर उन यूट्यूबर्स को, उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों को जिन्होंने निष्पक्ष होकर के सच्चाई सामने लाने का काम किया। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं, इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था, और जो जानकारी में था प्रशासन को उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। वही आपको बताते चले कि सोमवार को मैनपुरी की करहल सीट से सपा उम्मीदवार तेज प्रताप सिंह यादव ने नामांकन किया। इसके बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने ये तमाम बातें कही। वहीं अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि करहल के लोगों ने हमेशा से समाजवादी पार्टी को चुना है और इस बार पहले से ज्यादा समर्थन है। उपचुनाव का परिणाम ऐतिहासिक आने वाला है।